काका जी और दोस्तों, जब से ये काका हाथरसी पुरस्कार की घोषणा हुई कुछ साल पहले, तब से मेरी इस पर नजर थी। काका हमेशा कहा करते थे कि मैं इसकी धनराशि प्रतिवर्ष बढ़ाऊंगा और मैं धैर्य से हर वक्त सोचता कि इस वर्ष न मिले तो अच्छा रहे। काका ने एक शर्त और रखी थी कि सिर्फ हास्य व्यंग लिखना ही जरूरी नहीं है, सम्माननीय व्यक्ति भी होना चाहिए। मैंने पिछले सालों इस दिशा में भी कुछ कोशिश की, और कल से ये तनाव खत्म हो जाएगा। मैं वापस इस पुरस्कार की घोषणा के पूर्व जैसा था, और मैं तो काका से यह कहता हूं कि भविष्य में भी कभी किसी वर्ष आपको कोई योग्य व्यक्ति न मिले, तो यह सेवा करने के लिए मैं तैयार हूं। देखिए, आज यहां मेरे कितने मित्र उपस्थित हैं, इसमें एक बहुत बड़ा प्रतिशत उन लोगों का है जिनसे मैंने समय समय पर उधार लिया। अभी तक तो बहाने करता रहा, आज वो सब आए। किसी ने दिन को फोन किए, कह शरद जी बधाई। मैं समझ जाता क्या कहना चाहता। काका ने मुझसे कहा, ऐसे मौके पर बहू को क्यों नहीं बुला लिया। मैंने कहा था कि तुम आ जाना, तो उसने जवाब दिया कि चेक भुनने तक आ जाऊंगा।